हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे आज आप लोग के साथ शेयर कर रहा है मेरा एक स्पेशल डे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा स्पेशल डे है, जो कि मैं पिछला ब्लॉग 2-3 ब्लॉग से पहले शेयर की हूँ, हम लोग का एनिवर्सरी ब्लॉग। यहाँ शायद साउंड का प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक मिनट। हाँ, तो बंद ही कर रखे हैं इसको ना। अभी सही है और नहीं आएगा आवाज, क्योंकि मैं बंद कर चुकी हूँ, उसमें मैं खीर चढ़ाई हूँ। क्योंकि आज जो स्पेशल डे है उसका शुरुआत खीर से ही होगा। मैं आप लोग को 2-3 ब्लॉग, मतलब हम लोग का मार्केटिंग जो किए थे एनिवर्सरी का, उस ब्लॉग में बताई थी कि मैं एनिवर्सरी का जो मार्केटिंग हुआ उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो फिर उस हिसाब से मैं उनके लिए शर्ट खरीदी थी। और फिर वो ही ब्लॉग आज शेयर करने वाली हूँ। मतलब आज का वो दिन है, स्पेशल दिन, जो कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे हस्बैंड का बर्थडे, हम लोग कैसे सेलिब्रेट किए, साथ में मैं उनके लिए स्पेशल क्या क्या कर रही हूँ। वो तो मेरे लिए बहुत खास करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर उनके हिसाब से मैं इतना भी कर दूँ ना, मुझे मन में अच्छा लगेगा, तो फिर वो सारा कुछ शेयर करूंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन है उसको टच कर दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ में वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा। साथ में आप लोग जितना मेरा एनिवर्सरी वाला ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिए हैं, बहुत सारा आशीर्वाद दिए हैं, और ठीक उसी तरह से मेरे हस्बैंड को भी आप लोग बहुत सारा आशीर्वाद प्यार दे दीजिएगा और गुड विशेस, तो वो तो है ही। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और सुबह से मैं उठने के बाद आज खिड़की भी ओपन नहीं की थी क्योंकि हम लोग को उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, और साथ साथ वेदर भी बाहर ठंडा है और हवा हवा चल रहा था, इसी वजह से अब बाहर धूप भी आ चुका है। तो चलिए मैं खिड़की को खोल कर वीडियो शुरू करती हूँ। चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि ये वाला बर्तन जो है मुझे क्लीन भी करना था, इसमें दूध चढ़ाती हूँ रोज, तो फिर उनके लिए आज इसमें चाय चढ़ा दे रही हूँ ताकि इसको निकाल सकूँ। और इधर मेरा खीर भी चढ़ गया, आप लोग देखे होंगे, खीर पायस जो कह सकते हैं वो। और रेसिपी शेयर कर दूंगी, मेरा किचन टूर का जो मतलब वीडियो था ना, उसी में मैंने खीर का रेसिपी शेयर किया हुआ है, आप लोग उसमें चाहें तो देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी मेरा चाय जो है अच्छे से हो जाए, फिर उनको देखते हैं, वो अगर जग गए होंगे तो फिर ठीक, वरना हम लोग जगाते हैं, विश करते हैं फिर से। हाँ, ये तो रूल हो चुका है 12 बजे विश करना, तो फिर हम लोग माँ बेटी सब कोई विश करके ही सोए थे। 12 बजे हम लोग तो विश किए थे साथ में, तभी माँ बाबा भी कॉल किए थे, तो उनसे भी बात हो गया है और सुबह सुबह भी वो लोग का कॉल आया था। तो अभी लेकर जाएंगे इनके लिए चाय, तो रेडी हो जाइए इनको जगाने के लिए। मेरा चाय तो बन चुका है, तो जैसे कि आज इनका स्पेशल डे है, इनका बर्थडे है, तो इनको थोड़ा सा सुबह से स्पेशल फीलिंग करा देते हैं, तो फिर अच्छा वाला कप निकालेंगे और फिर उसी से ही देंगे इनको आज। जो चलिए निकालते हैं। Thank you.
हैप्पी बर्थडे विद गर्मा गर्म चाय, थैंक यू सो मच। ये लीजिए। आज क्या यूनिक है, क्या यूनिक है आज आज क्या यूनिक है बताओ। आपके लिए, क्या खास है आज, क्या कर रहे थे आप पहले बताओ। हम रिप्लाई दे रहे थे, रिप्लाई, किस बात का रिप्लाई? मेरा बर्थडे विश का रिप्लाई। अच्छा, तो फिर देखिए मैंने आपके लिए कौन सा कप में चाय लाया है। मेरा पसंदीदा कप। हाँ, रखा हुआ था, मैंने तो नहीं निकाला था ना, आप बहुत पहले से बोलते आ रहे थे कि निकाल दो निकाल दो, पर आज स्पेशल, फिर वापस रख दूंगी मैं इसको क्यों? ये मेहमानों के लिए अरे ये मेरा पसंदीदा कप है ना। हाँ, तो गुड मॉर्निंग तो विश नहीं किए हो आप। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। सवेरे सवेरे का समय है, बाहर कुहासा भी है, ठंड भी है, अभी धूप निकल चुकी है, हम रूम के अंदर बंद है, सब तरफ बंद। और देखिए वहां पर मेरी बेटी जो है सो रही है, अभी तक उसका नींद नहीं टूटा है। और मैं आप लोग को बोल रही थी ना, हम लोग का जो ब्लैंकेट है अलग है, वो मेरा जगह, कितना छोटा एरिया में मैं सोती हूँ आप लोग देखिए क्योंकि मेरी बेटी एक तरफ क्या करती है, आधा रात मेरे ओर लुढ़क जाएगी, फिर आधा टाइम उसके पापा की ओर। उठ जा उठो, सिम सिम, जो भी है, गुड मॉर्निंग विश करो। चलो पहले गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा चाय आपके लिए भी। हाँ, तो ये तो मेरा हमेशा से ही है कि आधा वो पियेंगे आधा मैं, क्योंकि उस दिन वाला वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी मिल ना। बांट के पीने से प्यार बढ़ता है, हाँ, वो तो है ही हम लोग का ना। इसीलिए देखो मैसेज फिर आया। चलिए रिप्लाई देते रहिए आप, मैं ये चाय को खत्म करती हूँ, फिर क्या कर रही हूँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये देखिए जनाब रेडी हो चुके हैं, तो हम लोग अभी मंदिर के लिए निकल रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखें कि प्रसाद सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है और मैं खुद भी रेडी हो चुकी हूँ, तो ये मैं इनको पकड़ा रही हूँ, प्रसाद का थाली जो है आप ले लीजिए, फिर हम लोग साथ में निकलेंगे। और ये वाला जो कुर्ता पाजामा है, मैं भी आप लोग देखे होंगे, मैं जो दुर्गा पूजा का शॉपिंग कलेक्शन शेयर की थी ना उसमें बताई थी, पर ये वाला जो कुर्ता है ये एक दिन भी इसको नहीं पहने थे क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ था। हमने सोचा था कि दुर्गा पूजा में ना सही, कम से कम एनिवर्सरी दिन ये पहन लेते मंदिर जाते टाइम, तो फिर उस दिन तो नहीं जा पाए पहन पाए क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ था, तो इस वजह से आज मैंने निकाल दिया कि आज ही पहन लीजिए। और इनको नहाने के बाद एक नया कपड़ा भी पहनना था, तो फिर मैंने सोचा कि इसी को ही पहन लेते हैं क्योंकि मंदिर जाने के लिए ये सब के लिए ही ऐसा कुर्ता पजामा होता है, तो फिर उसको पहन लिया। और मुझे भी ये वाला साड़ी मेरा काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आज मैं सेकंड टाइम पहन रही थी इसको, और एक बार पहले तो पूजा टाइम पहनी थी घर पर वहाँ पर, और आज फिर इसीलिए पहनी खासकर कि इनके साथ थोड़ा बहुत मैचिंग हो जाएगा। तो देखिए मंदिर जैसे हम लोग पहुँचे ना, वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे, तो फिर देखकर मन में बहुत अच्छा फीलिंग आता है, उनके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट आता है मन में, तो फिर इसलिए उसको भी रिकॉर्ड कर ली मैं। लीजिए, यहाँ पर पूजा तो हुआ है पर यहाँ पर कोई भी पंडित जी नहीं है अभी, तो फिर बहुत लेट भी हो गया हम लोग से, तो इसी वजह से। और ये खुद कर रहे हैं पूजा क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती हूँ, कहते हैं कि बजरंग बली को लड़कियाँ नहीं करती पूजा। शरावशंतम हिलाविंदे
हम लोग का पूजा पाठ हो गया और हम लोग अभी घर जा रहे हैं। वहाँ तो मंदिर बंद था, तो फिर इस मंदिर में हम लोग मतलब हनुमान मंदिर में पूजा कराए और फिर देखे तब तक पंडित जी आ गए और यहाँ का डोर भी खोल दिए, बहुत अच्छा लगा। तो फिर पूजा भी हो गया, बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। और हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि घर जाते ही मुझे लंच का प्रिपरेशन करना है, लंच भी कुछ स्पेशल बनाऊंगी। तो चलिए घर पहुँच जाते हैं। और ये देखिए महाराज ड्राइविंग कर रहे हैं, तो घर पहुँच जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। घर आने के बाद देखिए मैं क्या करके रखी हूँ, ये है मैरिनेट किया हुआ क्या क्या आप समझ लीजिए। और साथ में इधर चावल भी बन गया है जो कि बिरयानी बनेगा। और क्या बनाऊंगी, हाँ बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज कर रही हूँ। और साथ में मुझे बनाना है रायता और पापड़, अभी का मेनू यही है। और थोड़ा सा इसका जो है और एक मैं ग्रेवी बनाऊंगी, तो चलिए इसको बना लेती हूँ। मैरिनेट मैं पहले करके रखी हूँ, और इसका जो रेसिपी है ना चिकन बिरयानी का रेसिपी, मैं पहले भी बहुत शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार और रेसिपी नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गए हम लोग। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और आप लोग के साथ मैं जितना भी बिरयानी का रेसिपी शेयर किया हूँ ना, सब तो कुकर में ही बनाती हूँ, आप लोग ध्यान दिए होंगे। सोच रही हूँ बड़ा वाला जो बर्तन होता है ना दम जिसमें दिया जाता है, वैसे वाला ले लूँगी जिससे कि सुविधा होगा। पर कुकर में भी बहुत अच्छा बनता है, एक बार भी मेरा ऐसा नहीं कि बिरयानी ख़राब बना है। और आप लोगों को तो पता है मैं मैक्सिमम बनाती भी हूँ, क्योंकि इनके लिए मुझे बनाना पड़ता है, ये स्पेशल डे के लिए तो बना रही हूँ। साथ में मेरे घर में अक्सर बिरयानी बनता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा नहीं कि पूरा क्रेजी हूँ उसके लिए, पर खा लेती हूँ, इस टाइप का है मेरा। पर ये है कि पूरा बिरयानी के प्रति उनका बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो फिर उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है, और बेटी भी पसंद करती है, तो इसी वजह से तो मैं बना दे रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है आज मेरे पास समय बहुत कम है, और ये यहाँ पर खड़े हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे क्या करेंगे, ये तो मना ही कर रहे थे, कुछ सेलिब्रेशन नहीं कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग इस बार घर में ही सेलिब्रेट करने वाले थे, इसी वजह से हम लोग ना ये मना कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ और सेलिब्रेशन का ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी इनके लिए थोड़ा बहुत अरेंज कर रही हूँ। अभी दो चूल्हा में दोनों और चढ़ा दी हूँ दो आइटम को, क्योंकि इतना लेट हो चुका है ऑलरेडी, हम लोग का लंच का टाइम हो भी गया है। तो अभी देखिए मैं मंदिर से आके पानी तक नहीं पी पाई हूँ, और ये जो साड़ी है इसको चेंज नहीं की हूँ, अभी जा रही हूँ चेंज करके आऊंगी फिर बाकी का, क्योंकि हाँ क्या हुआ? ओहो अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी आ गया हम लोग का केक, तो फिर इसको अभी नहीं दिखाती हूँ, मैं आप लोग को दिखाऊंगी शाम को, शाम का पार्टी में आप लोग ठीक है बात कर लो आप हो गया। तो शाम का पार्टी में मैं शाम को दिखाऊंगी, तो उस टाइम देखने से आप लोग जानोगे, अभी नहीं दिखाती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ चेंज करने, चेंज करके आऊंगी फिर आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए फिर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं सब। और ये देखिए अभी मैं बिरयानी को प्रेशर कुकर का जो लीड है उसको मतलब सीटी है उसको निकाल कर लगा चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये हो गया थोड़ा सा ज्यादा भर्ती। इसको अभी 20 मिनट के लिए कुछ नहीं करना है, ये आराम से होता रहे, तब तक हम लोग चेक कर लेते हैं हम लोग का हालत क्या है। तो ये देखिए चिकन ये भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए रेडी हो चुका है मेरा, इधर बिरयानी साथ में रायता है और यहाँ पर चिकन है, बस ये तीन रेडी हो चुका है। और कुछ नहीं बनाऊंगी अभी, मैं सोच रही थी पापड़ करूंगी, पर पापड़ नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है,
तो चलिए सबको दे देती हूँ उन लोग को खाने, फिर मैं खाऊंगी। और आज का बिरयानी बहुत ही लाजवाब बना था, मैं अभी सर्व कर रही हूँ। इतना अच्छा खुशबू आ रहा था ना, क्योंकि मैं आज पूरा का पूरा प्रोसेस देसी घी से की हूँ, जिससे कि इसका खुशबू में चार चांद लग गया है और टेस्ट में भी, और साथ में पूरा खिला खिला बना था। इनको तो बहुत पसंद आया, और मैं आज सोच के रखी थी कि इनका पसंद का ही सब कुछ बनाऊँगी दिन से रात तक जो भी होगा। तो फिर इसी वजह से बिरयानी को ही मैं चूज की, और फिर इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा आया। तो साथ में हम लोग तो इस बार बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बेटी को लेकर हम लोग बाहर नहीं गए हैं एक बार भी। और आप लोग सोच रहे होंगे एनिवर्सरी टाइम, तो एनिवर्सरी टाइम आप लोग वो भी नोटिस किए होंगे कि हम लोग यूज एंड थ्रो वाला प्लेट्स यूज किए थे, क्योंकि हम लोग ये जाकर मना करके आए थे कि वहाँ पर प्लेट्स मत देना, हम लोग यूज एंड थ्रो में ही खाएंगे। तो इसी वजह से वहाँ पर वैसे ही यूज किया गया था, पर यहाँ तो किसी को मना नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम लोग घर का ही एक है। तो मैं ये वाला ब्लॉग को ना बहुत लंबा नहीं कर रही हूँ, हम लोग का रात का जो सेलिब्रेशन था, यानी इवनिंग का सेलिब्रेशन, वहाँ पर बहुत कोई आए थे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोग। तो फिर वो वाला वीडियो को ना मैं सेपरेट कर दी हूँ, उसके साथ नहीं जोड़ रही हूँ। आई होप कि आप लोग वेट करोगे वो वाला वीडियो के लिए, और उसको श्योर इतना ही प्यार दोगे। तो ये वाला वीडियो के लिए आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।